हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल कुकिंग विद दीक्षा में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं अचार की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसको हम बरसात के मौसम में ये मिलता है, तो इसको हम बरसात के मौसम में बनाएंगे। वो भी इस तरह से हम बनाएंगे कि जल्दी ख़राब नहीं होगा। हमारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, हम इसमें कुछ टिप्स बताएंगे जिससे ये हम इसको काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये करौंदा लिया है, ये रेड वाले करौंदे हैं। इसको हमने अच्छी तरह से धुल के इनको थोड़ी देर हमने रख दिया था, इनका पानी अच्छी तरह से सोख चुका है। तो इसको हम अभी कट कर लेते हैं। फिर उससे पहले हम बता देते हैं कि उसमें डालने के लिए हमने ये लहसुन ले लिया है, हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है, और ये हरी मिर्च मैंने ले लिया है, इसको भी हमने अच्छी तरह से धुल लिया है। तो बस अभी हम करौंदों को कट करेंगे, दिखाते हैं हम इसको किस तरह से कट करते हैं। तो हम इनको इस तरह से, इनका थोड़ा सा वो कांटे जैसा रहता है जो पीछे, उसको निकाल देंगे और बस इनको हम इस तरह से निकालते हुए बीच से डिवाइड कर देंगे। अगर ज़्यादा बड़े हैं तो उनको चार भागों में कट कर दें, उनके बीच को इस तरह से नाइफ से ही निकाल लेना है। अगर ज़्यादा बड़े करौंदे हैं तो आप उनको चार भागों में भी कट कर सकते हैं। तो ये छोटे ही हैं तो हमने बस दो बार में इनको डिवाइड किया है, सभी के बीच निकाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम तक इसको नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं बनाना है, तो आप चाहे तो बीज निकाल भी, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, ये चार ख़राब नहीं होता, बीज रहते हैं तब भी सही रहता, लेकिन हमने निकाल दिया है। इसी तरह से हम सभी करौंदों को कट कर लेंगे। और फिर अभी हम बता देते कि किस तरह से मिर्च को कट करना है। उनको धुल के उसका पानी अच्छी तरह से सुखा के पहले इसको डंठल को कट कर देना है, और मिर्च को हम इस तरह से कट कर देंगे बीच से। ये थोड़े बड़े थे इसलिए हमने इनको बीच से भी कट कर दिया है। इनको हम बीच से भी इस तरह से कर देते ताकि ये छोटे हो जाएं। और जो लहसुन मैंने लिया था उसको हम खड़बट्टे में डाल के अच्छी तरह से कूट लेते हैं। आप चाहे तो इसको भी पतला पतला कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह से कूट लिया है। और अभी हम मिर्च को डाल देते हैं सूखने के लिए। मिर्च को हमने अच्छी तरह से इसमें फैला दिया है, और लहसुन को भी हम निकाल लेते हैं और उसको भी सूखने के लिए डाल देते हैं। और हम करौंदों को भी एक प्लेट में निकाल के उनको भी अच्छी तरह से फैला देते हैं। इनको पंखे के नीचे सुखाएं, बारिश का मौसम है तो पंखे के नीचे ही सुखाएं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कुकिंग विद दीक्षा को, और लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो जब तक ये सूख रहे हैं तब तक हम उसके लिए मसाले तैयार कर लिए हैं। मैंने 2 चम्मच मेथी लिया है, और मैंने 2 चम्मच ही ये जीरा ले लिया है। और मैंने 2 चम्मच ही सब समान क्वांटिटी में हमने ये सौंफ लिया है। सभी चीज़ों को हम पैन में डाल देते हैं, और हमने ये 4 चम्मच धनिया लिया है, जिसको हम अच्छे तरह से इसको भून लेंगे। अभी फ्लेम को मीडियम रखना है और इनको भूनते जाना है, फ्लेम को हाई नहीं रखना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। और इनको धीरे धीरे भूनना है, इनमें से जब अच्छी सी महक आने लगे। अभी ये मसाला पक ही चुका है, इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी महक भी आ रही है, कलर भी इसका चेंज हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो गया है। इसको हम निकाल कर ठंडा करके मिक्सी जार में पीस लेते हैं। तो हमारे करौंदे लगभग 2 से 3 घंटे के बाद बहुत ही अच्छी तरह से सभी चीज़ें, मिर्च लहसुन हर चीज़ सूख चुका है। तो हम करौंदे में ये जो लहसुन था मैंने उसको डाल दिया है, और फिर हम इसमें डाल देते हैं वो सूखी हुई मिर्च, और फिर हम इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। हमारा घर का सरसों का तेल था इसलिए हमने इसको गर्म नहीं किया है, अगर मार्केट का होगा तो आप उसको गर्म करके ही डालें। और हमने इसमें 2 चम्मच नमक डाल दिया है, नमक की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है ताकि अचार जल्दी ख़राब ना हो। और हमने 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दिया है तीखेपन के लिए, आपका जैसी इच्छा डालना हो डाल सकते हैं। और मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, और इसमें हमने डाल दिया है अचार का मसाला, और सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने इसमें डाला है विनेगर, जिससे कि हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आपके पास घर का सिरका है तो आप उसको भी डाल सकते हैं।
इसको हम काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, बस 10 मिनट में अचार बनाओ और महीनों तक खाओ। देखिए हमारी करौंदे की अचार एकदम अच्छी तरह से चटपटी सी रेडी हो चुकी है, तो इसको हम अभी एक शीशी के जार में रख देते हैं। और इसमें पानी पानी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं ये ख़राब हो जाएगा। इसको हम अच्छी तरह से रख देते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। इन्जॉय।